नमस्कार, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। बीडी के अस्पताल में कार्यरत एक महिला नर्स पर एक युवक का अपहरण कर मारपीट करने का आरोप लगा है। उसके बाद वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल में पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि झुंझुनू का दिलीप वाल्मीकि 27 जुलाई को जिम जाने की कहकर घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। घर वालों ने दिलीप को एक दो दिन तो ढूंढा, लेकिन जब वह नहीं मिला तो झुंझुनू कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अब अचानक किसी ने दिलीप के पिता विनोद चावरिया को सूचना दी कि उनका बेटा बीडी के अस्पताल में कार्यरत एक महिला नर्स के घर पर है। उसके बाद जब परिजन वहां पहुंचे तो देखा कि महिला नर्स सहित अन्य लोग उनके बेटे दिलीप को बंधक बनाकर मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद वाल्मीकि समाज के बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुँच गए और प्रदर्शन करने लगे।